हाय सरप्राइज बोलो हेलो फ्रेंड मम्मी का चैनल हेलो मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप लोग सब अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह सुबह मेरे घर का हालत आप लोग देखे होंगे इस वीडियो में, और जो कि मैं स्टार्टिंग में आप लोग को दिखाई वो जस्ट नाश्ता हम लोग का हुआ और मैं क्लीन नहीं की थी, वही था। और कल मैंने मशीन चलाया था तो ढेर सारा कपड़ा मैं धो के रखी थी जिसे मैं फोल्ड नहीं की थी, तो अभी सुबह सुबह लगी हूँ मैं उसे फोल्ड करने में। और आप लोग को लग रहा होगा साड़ी उड़ी पहन के बन ठन के मैडम कहाँ जा रही है, तो पता नहीं कभी कभी हो जाता है ना कि साड़ी देखने से मन करता है कि आज पहन लिया जाए। तो मेरा वही हाल हुआ आज, मैं साड़ी देखी और मेरा मूड कर गया कि चलो भाई पहन लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो कभी पहन नहीं पाते हैं, ऐसे पूजा पाठ में ही पहनते हैं, इसलिए सोचते हैं कि घर में पहन के सधा लें साड़ी वगैरह। तो और ताना भी मिलते रहता है कि इतना महंगा महंगा साड़ी पहनती है, लेकिन पहनती नहीं है, खरीदती है बस, अलमारी में सजा के अच्छे से रख देती है बट पहनती नहीं है। तो सारे कपड़ों को मैंने फोल्ड करके डाल दिया है अलमारी के अंदर, और मैं थोड़ा सा क्लीन करूँगी क्योंकि जो मिरर है ना, मिरर में भी बहुत ज़्यादा ऐसे ठंडा में होता है ना कि धुआं धुआं टाइप हो जाता है, तो मैं इसको भी थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। और तो हो गया है सब कुछ, हमारा नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है। और कैसी लग रही हूँ, साड़ी कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, प्लीज़ ज़रूर आप लोग लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए हमारा, ताकि दूसरों तक भी पहुँचे। और जितने भी ईयरिंग्स वगैरह जो मैं पहनती हूँ वो सब मैं खोल खोल के ऊपर की अलमारी में ही रख देती हूँ, तो किसी दिन टाइम मिलता है तो फिर उसको निकाल के एडजस्ट करती हूँ जहाँ पे मैं रखती हूँ, तो वही मैं उसको डाल दी। और थोड़ा सा देखिए, जैसे क्रीम वगैरह पाउडर वगैरह थोड़ा थोड़ा हम लोग लगाते हैं कभी कभी ऐसे, तो गिर जाता है ये सब में, तो वही पाउडर सब गिरा हुआ रहता है, तो थोड़ा सा इस तरह से मार देती हूँ कपड़ा से तो साफ़ हो जाता है। तो ये सब होने के बाद मैं जाऊंगी अपने किचन में, मेरे किचन का हाल थोड़ा सा सुधारूंगी, बहुत गंदा लग रहा है। तो स्लैब को तो मैं क्लीन कर दी हूँ, अब जितने भी बर्तन थे जूठे वो सारे बर्तन को मैं अभी क्लीन करूंगी। और कल मैं इडली बनाई थी तो इडली का 2-4 पीस रखा हुआ था जो कि मैं फ्रिज में रख दी थी, तो उसे मैंने सुबह सुबह फ्राई कर दिया है सूखी मिर्च डाल के, नमक और हल्दी, थोड़ा सा मैं डालती हूँ सांभर मसाला, ये इसको डाल के मैं अच्छे से फ्राई करती हूँ, ये बहुत टेस्टी लगता है। मेरा तो ऐसे ही साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है हमको, मैं बहुत खाती हूँ। अगर घर में इडली बन गया तो दिन भर मेरा इडली ही चलेगा, ऐसा हो जाता है। तो वो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें, भूनने वाला जो मैं बताई अभी आप लोग को, वो बहुत अच्छा लगता है। तो सारे बर्तन को मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, उसके बाद फिर लंच बनाना है। तो डेली मेरा वही रूटीन, मेरा क्या यार सबका चलता है डेली वही, खाना तो बनाना ही है, खाना थोड़ी ना कोई बना के खिला देगा। तो सबसे पहले क्लीन करते हैं। और आरब का भी चल रहा है ऑनलाइन क्लास, तो वो अभी बैठेगा ऑनलाइन क्लास करने के लिए, तो फटाफट क्लीन कर लेती हूँ मैं। कितना अच्छा होता ना कि चुटकी बजाते और सारा काम आंखों के सामने एकदम फिनिश हो जाता, लेकिन भाई सपना थोड़ी ना है, हकीकत है। हेलो फ्रेंड्स, तो बन रहे हैं लंच और आज मैं बनाऊंगी पत्ता गोभी और आलू की सब्जी सूखी वाली, और सोच रही हूँ इसकी चटनी बनाऊं। ये आप लोग जानते हैं, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या है ये। हम लोग इसे कुर्थी बोलते हैं, इसका दाल बनता है, चटनी बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है इसका दाल। तो दाल बनाने का प्लान था बट कोई खाते हैं कोई नहीं खाते हैं, इसलिए मैं कैंसिल कर दिया, सोच रही इसको चटनी ही बना दूँ। तो लेके आई हूँ धूप में क्योंकि बहुत सारे कंकर हैं, कंकर मिल रहे हैं, तो इस सबको चुन लूँगी और क्लीन कर लूँगी। थोड़ा सा फ्राई किया, रोस्ट कर दी थी पहले ही मैं, ड्राई रोस्ट करके रखी थी। तो इसका बनाऊँगी लहसुन डाल के चटनी थोड़ी तीखी वाली, और बनाऊँगी पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो पत्ता गोभी मैं ले आई हूँ धूप में, और अभी हम लोग खा रहे हैं थोड़ा सा चना भिगोया हुआ। अभी ठंड में ना ये सब्जी ज़्यादा मिलता है मार्केट में, बहुत दिन के बाद लाए हैं पत्ता गोभी, ग्रीन सब्जी तो हम लोग खाना भूल ही गए थे। तो मैं क्या करूँगी इसमें, मैं काटूंगी इसको, आज बहुत झमेला लगता है। तो
तो चलिए फटाफट बातें करते करते मैं पत्ता गोभी को भी काट लूँगी। तो आज मेरा मन था थोड़ा मंचूरियन टाइप बनाने का या तो कोफ्ते बनाने का, क्योंकि पत्ता गोभी का सब्ज़ी ऐसे मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, बट हल्का मसाला देके बनाने से ठीक ही लगता है। तो वही बना रहे हैं। और मैं क्या करूँगी ना, ये जो कटिंग वाला है, चॉपर वाला जो है, उसमें मैं थोड़ा थोड़ा काट के इसमें डाल दूँगी और इसे अच्छे से चॉप कर लूँगी। तो ये बहुत ही बारीक सा हो जाता है, जैसे कि आप लोग फ्राइड राइस में डालते हैं ना, हम लोग वैसे ही हो जाता है। तो अच्छा है, एक तरह से बहुत अच्छा है कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और अच्छे से सब्ज़ी पक भी जाता है, गल भी जाता है अगर इससे मैं काटती हूँ तो। फटाफट मैं इसे काट लूँगी। और एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है, सारे बच्चे का स्कूल खुल रहा है मार्च से। अभी बहुत बच्चों का खुल गया है, जो जो बड़े बच्चे हैं, और छोटे वाले जो बच्चे हैं, जो कि मेरे पास एक पीस है, वो बच्चे लोग का स्कूल खुलेगा मार्च में। तो अब हम लोग रेडी होने वाले हैं स्कूल के लिए, क्योंकि ऑफिस वाले लोग तो जाएंगे नहीं छोड़ने के लिए और लेने के लिए, तो एक काम तो हम लोग को करना ही पड़ेगा, लाना और छोड़ना। तो अभी हमको रेडी होना पड़ेगा, अच्छे से कमर कसना पड़ेगा। तो आज़ादी वाले जो दिन है ना, वो अब ख़त्म होने वाले हैं, तो फिर से बिजी वाला रूटीन शुरू हो जाएगा हम लोग का। तो ये देखिए आप लोग को मैं दिखाती हूँ, पत्ता गोभी एकदम अच्छे से चूर चूर हो गया है, बहुत अच्छे से कट रहा है और बहुत मज़ा भी आ रहा है यार। पता नहीं मैं इसको छोड़ने वाली हूँ, चलो भाई शाम का टाइम हो गया है और मैं जा रही हूँ थोड़ा पार्लर, क्योंकि मैं एकदम लग रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग मेरा हाल किस तरह से हुआ है। उस दिन से मुझे निकलने का एकदम टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मुझे टाइम मिला है तो मैं बोली कुछ भी हो जाए आज मैं जाके रहूँगी। तो भाई पार्लर से तो मैं आ गई, वो वाला वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई, तो आते वक्त का मैं थोड़ा बहुत ली हूँ। मैं थोड़ा मसाला पॉपकॉर्न यहाँ से लेके जा रही हूँ और अच्छे से मैंने पार्लर में पोताई वोताई करके आई हूँ। तो आप लोग देखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा हुआ, कुछ चेंजिंग हुआ कि नहीं मेरे अंदर। तो ये देखिए, ये मसाला पॉपकॉर्न में ले रही हूँ और थोड़ा सा मुझे लेना है घी, पूजा के लिए घी ख़त्म हो गया है, तो घी वाला दुकान में भी जाऊँगी और मुझे घी लेना है। तो सारे सब्ज़ी मंडी को मैं तराशते हुए जा रही हूँ कि क्या क्या मिल रहा है मार्केट में, क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन बहुत बड़ा यहाँ पर बाज़ार लगता है। सारे सब्जी वाले लोग दूर दूर से आते हैं और सब्जियाँ लगाते हैं यहाँ पे। और ये देखिए रौनक हम लोग के यहाँ का, कितना अच्छा रौनक है और कितने हरे हरे सब्जी एकदम भैया लोग भर भर के लेके बैठे हुए हैं रोड में। तो सब्जी तो मैं लेके नहीं जा रही हूँ, क्योंकि वीकेंड में है, तो वीकेंड मेरे घर में कुछ स्पेशल बनता है, तो स्पेशल के चक्कर में मैं कुछ भी नहीं लेके जा रही हूँ और देखती हूँ बनता है कि नहीं, कल ही पता चलेगा। अब तो चलते हैं घर की तरफ और दिखाते हैं आप लोग को। तो अपने सोसाइटी में मैंने कदम रख लिया है और लिफ्ट में मैं घुस गई हूँ और जितने सामान है ना वो मेरे हथेली में है। ऐसे कुछ खास सामान नहीं लिया है, बस जलेबी और कटलेट ली हूँ, वेज कटलेट, और पॉपकॉर्न ली हूँ क्योंकि मेरे बेटे को पॉपकॉर्न बहुत पसंद है। और ये देखिए एकदम एक थाली भर के दिया है 10 रुपीज़ में, ज़्यादा नहीं, बस 10 रुपये में एक थाली मिल गया है। और ये वेज कटलेट खा रहे हैं और अभी इंजॉय करेंगे सब स्नैक्स हम लोग लेके, जहाँ बर्तन वाला दुकान नहीं है। आपको हमको भी अच्छा दिखाइए मुंह। हाँ आओ, यस खिला दो। आरव के हाथ से बहुत टेस्टी लग रहा है, और एक ले दो। तो चलो भाई आज का वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी आज का ब्लॉग जो है आप लोग को पसंद आया होगा, तो पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें सब्सक्राइब। तो आज के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट थैंक यू।